हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पूरे फैमिली के लिए हेल्दी एंड टेस्टी साउथ इंडियन नाश्ता, जिसे आप बच्चों को भी खिला सकते हो और बड़ों को भी खिला सकते हो। तो आप उसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम यहाँ पर बनाएंगे हाई प्रोटीन नाश्ता, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर रागी, मूंग की दाल, चना दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, तूर की दाल और चावल को मैंने मिक्स किया है। आपके पास जो भी दाल अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई दाल ना पसंद हो तो आप उसे स्किप कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने एक कप जितना चावल ऐड किया है, घर में जो नॉर्मल चावल रहते हैं वही मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 बार उसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ऐड करेंगे और उसे 7 to 8 hours तक भिगोने के लिए छोड़ देंगे। आप उसे ओवरनाइट के लिए भी सोख होने के लिए छोड़ सकते हो। वहाँ पर हमारे 7 to 8 hours हो गए हैं और सारी चीज़ें अच्छे से फूल गई है। तो हम उसे एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर दही भी ऐड कर सकते हो और उसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों की अच्छे से स्मूथ पेस्ट बना ली है। बस इसी तरह से आपको पेस्ट बनाना है। आप चाहे तो उसे दोबारा से रेस्ट करने के लिए भी छोड़ सकते हो, और डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है। तो मैं यहाँ पर डोसा बना लूँगी। तो डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम उस पर पानी थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे और तवे का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल कर देंगे। अब जितने बड़े साइज़ का डोसा बनाना हो उस हिसाब से हम बैटर ऐड करेंगे और उसे अच्छे से हल्के से हाथ से फैला लेंगे। डोसे को फैलाते वक्त हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। अगर आप ज़्यादा हाई रखेंगे तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे और एकदम स्लो होगा तो वो अच्छे से फैलेगा नहीं। डोसे को फैलाने के बाद यहाँ पर हमें 1 चम्मच जितना ऑयल या बटर ऐड कर देंगे और उसे हल्का सा सेकने देंगे। जब ऊपर की तरफ से हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब करछी की मदद से हल्का सा ऑयल को स्प्रेड कर देंगे और उसे पूरी तरह से सेकने देंगे। जब डोसा अच्छे से सेक जाएगा तब यहाँ पर किनारियाँ अपने आप अलग हो जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारी किनारियाँ अपने आप ऊपर आ गई है। आप चाहे तो उसे दोबारा से पलट करके दूसरी तरफ भी सेक सकते हो। तो यहाँ पर हमारा डोसा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप उसे जिस शेप में फोल्ड करना चाहते हो उस शेप में आप फोल्ड कर सकते हो। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाएं। यहाँ पर हमने पहले प्लेन डोसा बनाया था, तो अब हम यहाँ पर मसाला डोसा बनाएंगे। तो मसाला डोसा बनाने के लिए भी हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। तवे पर हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर लेंगे और उसे वाइप कर देंगे और इसके बाद ही हम यहाँ पर बैटर ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से फैला लेंगे। हमें यहाँ पर पहले हमने जैसे डोसा बना बिल्कुल वही प्रोसेस को फॉलो करना है और उसी तरह से हमें डोसा बना लेना है। तो अब हम यहाँ पर 1 चम्मच जितना ऑयल ऐड कर देंगे और उसे चमचे की मदद से या करछी की मदद से हल्का सा स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर हम मसाला डोसा बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आलू का मसाला ऐड किया है। आधे पोर्शन में ही हमें आलू का मसाला स्प्रेड करना है। आप यहां पर देख सकते हो कि मैं किस तरह से आलू का मसाला स्प्रेड कर रही हूं, बिल्कुल इसी तरह से आपको फैला लेना है और उसे नीचे की तरफ से अच्छे से सिकने देंगे। तो यहां पर हमारा मसाला डोसा भी बनकर रेडी हो गया है। एक तरफ से ऊपर से उसे कवर कर लेंगे
बस इसी तरह से हमें फोल्ड कर देना है और उसे एक प्लेट में निकाल देंगे। है ना बिल्कुल आसान, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब यहाँ पर हम बच्चों के लिए उत्तपम बना लेंगे। तो आपको जितने बड़े साइज़ का उत्तपम बनाना हो उस हिसाब से हम यहाँ पर बैटर ऐड करेंगे। उसे हल्का सा फैला लेंगे, हम उसे बहुत ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, बस ऊपर से थोड़ा सा ही फैलाना है। यहाँ पर मैंने न ही बेकिंग सोडा ऐड किया है और ना ही इनो ऐड किया है। बस इसी तरह से हम फैला लेंगे और उसे ढक्कन से कवर करके 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। दो मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। 1 चम्मच जितना बटर या घी ऐड करेंगे। अब करछी की मदद से सारी किनारियों को अलग कर देंगे और उसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम दोबारा से उसे ढक्कन से कवर कर लेंगे और 2 मिनट के लिए और उसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तपम बनकर रेडी हो गया है। आप इसे बच्चों को कोकोनट चटनी या पीनट चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। है ना बिल्कुल आसान, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी।